डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं हूं इंजीनियर विकास कुमार। आप लोग मेरे को बहुत दिन से जान रहे होंगे, सीनियर से जान रहे होंगे। अगर नहीं जान रहे होंगे तो आप जान जाइएगा बहुत आसानी से मेरे को। नाम के आधार पर नहीं जानिएगा, क्वालिटी के आधार पर जानिएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक, इसके आधार पर आप जानिएगा, ठीक है। अब देखिए, हमारा आज हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट। ऐसे आप मेरा नाम जानते होंगे, विकास सर के नाम से सब लोग हमको जानते हैं। आपके थर्ड सेमेस्टर में आप ये सब्जेक्ट मैं लेकर के आया हूँ, मेजरमेंट को लेकर के आया हूँ। आप सीनियर मेरे को बहुत सारे जान रहे होंगे, बहुत सारे को मैं मेजरमेंट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। पिछले सेशन ऑफलाइन चलता था तो मोस्ट ऑफ द बिहार के बच्चे, बहुत सारे बच्चे को मैं पढ़ाया हूँ। तो मैं इस सब्जेक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मेजरमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मेजरमेंट एक ऐसा क्रिटिकल सब्जेक्ट है, मेजरमेंट एक ऐसा क्रिटिकल सब्जेक्ट है जिसको सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि मेजरमेंट, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं इसमें आगे चल के बैड फील करते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छा से बात समझ में नहीं आता है। हम बहुत सारे बच्चे को देखे हैं कि ऑफलाइन क्लास में भी बहुत सारे को बात समझ में नहीं आता है, जो कि कॉलेज में बहुत सारे सर लोग पढ़ाते हैं। तो बहुत सारे पढ़ करके बच्चे को मैं समझा पाता हूँ तो बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, ठीक है। तो ये मेजरमेंट जो है से वास्तव में बहुत क्रिटिकल पेपर है। क्रिटिकल पेपर है इसलिए क्रिटिकल पेपर है कि इसमें कोई चीज़ दिखता नहीं और मेजर करना बहुत कठिन काम है। कैसे मेजर करेंगे कि ईरर को कम से कम कर पाएँ, तो इसमें विजुलाइजेशन आपको देखना पड़ेगा, विजुलाइज करके इसको देखना पड़ेगा। तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपको सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूं कि जूनियर इंजीनियर का बैचेज, कंपिटिटिव बैचेज मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूं, बता चुका हूं। पिछले मैं 2013 से पढ़ाते आ रहा हूं, जबकि सेमेस्टर के बैचेज मैं 2015 से पढ़ा रहा हूं। पहले जेई को पढ़ाना स्टार्ट किया था, बाद में मैं सेमेस्टर में आया हूं, यानी 2015 ऑनवर्ड लगभग 5 सालों से मैं बिहार पॉलिटेक्निक के छात्रों को मैं पढ़ा रहा हूं, और अदर पॉलिटेक्निक के छात्रों भी बहुत सारे जुड़ रहे हैं। तो मैं ये सब्जेक्ट को पिछले 5 सालों से पढ़ा चुका हूं, और 5 साल में कम से कम इसको मैं 15 से 20 बार पढ़ा चुका हूं, ज़्यादा बार पढ़ा चुका हूं। 5 साल में 5 बार सेमेस्टर बैचेज को पढ़ा चुका हूं, और 5 बार डिफरेंट प्लेस पर बैचेज पर लिया हूं मैं बैचेज को। पटने में ऑलरेडी 2-3 जगह पर मैं क्लासेस मेजरमेंट का लिया हूं, और इधर उधर जैसे मुजफ्फरपुर में और अदर जगह पर मैं भी क्लासेस में मेजरमेंट का लिया हूं। तो इस तरीके से मैं बात करूं कि मेजरमेंट जो है, मैं बहुत बार हर सेमेस्टर में लगभग 2-3 बार मैं मेजरमेंट को पढ़ाता था। 10-15 बार तो ऑलरेडी सेमेस्टर वाले बच्चों को मैं मेजरमेंट पढ़ा चुका हूँ, साथ ही साथ कंपटीशंस वाले भी बच्चों को मैं 15 से 20 टाइम पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि हर साल जेई बैच आपका 3-4-5 जेई बैच मेरे यहाँ बनता है ऑफलाइन क्लासेस में, तो सारे मेजरमेंट मैं ही पढ़ाता हूँ। तो ये बोल सकते हैं टोटल मेजरमेंट का मेरा एक्सपीरियंस बोलें तो कम से कम हम बोल सकते हैं कि 25 से 30 बार हम मेजरमेंट सब्जेक्ट को मैं पढ़ा चुका हूँ। और मेजरमेंट पढ़ने में आपको बहुत ही मेरे साथ मजा आएगा, क्योंकि मैं कुछ आपको रटने के लिए नहीं बोलता हूँ। लेकिन आप यदि सीनियर से पूछिएगा जो मेरे से मेजरमेंट नहीं पढ़े होंगे, जिनको कॉलेज में बहुत अच्छे मेजरमेंट नहीं हो पाया होगा, तो सीधा एक ही बात बोलते हैं, भाई मेजरमेंट में किसी तरह पास कर गए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेजरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको अगर बात को आप बारीकी से समझ जाते हैं तो इससे आसान सब्जेक्ट कोई नहीं। बस इसमें क्या है, लैंग्वेज को आपको रटना नहीं होगा, इसमें क्या होगा, लैंग्वेज को बिल्कुल आपको समझना होगा। और इसमें थियोरेटिकल जैसे बुक से पढ़िएगा तो एके साहनी इसका वन ऑफ द बेस्ट बुक है, अच्छा बुक है एके साहनी, जो कि इतना मोटा बुक आता है, जो कि आपको मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए लिखा गया, बहुत ही शानदार बुक है। लेकिन वो बुक जो है सर स्टूडेंट के लिए नहीं बना, सर टीचर के लिए बना है। वो लोग स्टूडेंट के लिए नहीं बना, टीचर के लिए बना है। स्टूडेंट पढ़ते हैं, और देखिए डिप्लोमा का भी टेक्स्ट बुक में आपको एके साहनी दिया हुआ है, बीटेक का भी टेक्स्ट बुक में एक साहनी दिया हुआ है, मैं एमटेक मास्टर डिग्री भी कर चुका हूँ, वहाँ भी एडवांस मेजरमेंट था, उसका भी टेक्स्ट बुक क्या एक साहनी ही है, ठीक है। अब तो मैं पीएचडी कर रहा हूँ, पीएचडी में भी छोटा मोटा आपका मेजरमेंट है, तो उसको भी एक साहनी को भी रेफरेंस बुक में रखा है। तो सोच सकते हैं कि जीरो लेवल से सारा चीज़ उसमें लिख दिया है। और कोई भी चैप्टर्स में अगर हम बात करेंगे मेजरमेंट का, तो आपको क्या होगा, सारा बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा और आपको मेजरमेंट टफ लगने लगेगा, और एक ही उपाय आपके पास बचेगा, मेजरमेंट को रट लें। तो हम आपको बोल रहे हैं कि मेजरमेंट का आपको कोई भी बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको यहाँ पर मैं जितना भी बताऊँगा, जितना भी समझाऊँगा, मोर देन इनफ है। आप सेमेस्टर में 100% मार्क्स लाएंगे ही लाएंगे, और जेई का भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आप इस चैप्टर से आप बना देंगे, और बहुत ही मजा आएगा। मेजरमेंट आप समझे हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव आप देखते ही आंसर मार दीजिएगा, अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो कितना भी कर लो गलत ही होगा,
तो इसको क्या करना है, बारीकी से समझना है। ये बिल्कुल आपका क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ये क्या है, बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट में जब तक आप नहीं समझते हैं तब तक आपको कुछ नहीं होने जा रहा है मेजरमेंट सब्जेक्ट में। तो हम एक ही चीज़ बोलेंगे कि मेजरमेंट सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छी से समझना है, क्लियर है। तो मैं इलेक्ट्रिकल्स पीपल्स को मैं पढ़ा रहा हूँ, सारे पेपर ए टू जेड पेपर मैं पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रिकल का, जैसे सर्किट हो गया, नेटवर्क हो गया, सर्किट नेटवर्क, मेजरमेंट, पावर जनरेशन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका मैथमेटिक्स, सारे पेपर पढ़ा रहा हूँ। बट ये जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए कॉमन है। ये जो पेपर है क्या है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी, इलेक्ट्रिकल के लिए भी, इलेक्ट्रिकल के लिए भी, और साथ ही साथ क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी, ये दोनों ब्रांच के लिए आपका क्या है, कॉमन है। इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांच के हैं। अब आपको ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि दोनों का क्या एग्जैक्ट सिलेबस है, दोनों का क्या एग्जैक्ट सिलेबस है। तो हम बोल सकते हैं कि आपका 70-80% सिलेबस कॉमन है, आपका 30% सिलेबस दोनों का क्या है, अलग है। आपका जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल में पढ़ना फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ करंट वोल्टेज, मेजरमेंट ऑफ पावर, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कंस्ट्रक्शनल फीचर एंड वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ अदर मीटर, मेजरमेंट ऑफ सर्किट पैरामीटर। इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड पॉसिबल एरर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर एंड ओममीटर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, फेज एंड फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, रेजिस्टेंस मेजरमेंट, पोटेंशियोमीटर, डीसी एंड एसी ब्रिज, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब देखिए इसमें टॉपिक का नाम जैसे फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट पहला यूनिट दिया है, इसमें वही चीज़ को अंदर वाला बात को लिख दिया करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड पॉसिबल एरर, इसमें भी लगभग वही चीज़ पढ़ना है, इसमें भी वही चीज़ पढ़ना है। अब हमारा देखिए इसमें इलेक्ट्रिकल ये वाला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल को नहीं पढ़ना है, इसमें एक आध दो टॉपिक होगा जिसमें बहुत सारा टॉपिक है जिसमें एलसीआर मीटर ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल को नहीं पढ़ना, यानी कि इसका मैक्सिमम पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना बट ये वाला चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स को नहीं पढ़ना। इलेक्ट्रिकल को देखिए थर्ड सेम इलेक्ट्रिकल में गैल्वेनोमीटर नहीं पढ़ना है, साथ ही साथ आपको पावर मेजरमेंट, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट ये है सारा चीज़ है, पोटेंशियोमीटर नहीं है, सीआरओ नहीं है। ये तीन चैप्टर जो बोल सकते हैं कि क्या है बताइए, एक्स्ट्रा है किसके तुलना में, इलेक्ट्रिकल में। लेकिन इलेक्ट्रिकल वाला ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 जो इलेक्ट्रॉनिक्स को नहीं है ये है। अब देखिए बहुत थोड़ा सा सिलेबस का डिफरेंस है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, 70% कॉमन है, 30% अनकॉमन है। तो हम सबसे पहले जो है आपको हम कॉमन सिलेबस को कवर करेंगे जो कि इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का क्या है, कॉमन है। बाकी रेस्ट ऑफ द 30% सिलेबस होगा जो मैं अलग सेपरेट कर दूंगा, ये इलेक्ट्रिकल पीपल के लिए है और ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल के लिए है, ऐसा मैं सेपरेट कर दूंगा आपका। जहां मैं पढ़ा रहा हूँ एप्लीकेशन में बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का मोबाइल ऐप वही मैं सारा पढ़ाऊंगा, तो ये सारा सेपरेट कर दूंगा। लेकिन मैं और आगे आपको अगला बात बोलने जा रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल्स अगर इस चैप्टर को छोड़ देते हैं तो ये चैप्टर भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रिकल पीपल्स ये तीनों चैप्टर को छोड़ देते हैं तो आपका वो भी क्या है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करूँगा आपका इलेक्ट्रिकल पीपल को सारा इलेक्ट्रिकल कंप्लीट कर दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल को इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा क्लियर कर दूंगा, साथ ही साथ जो कॉमन होगा उसके बाद सेपरेट कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए ए है। अगर आपको मन करे कि ये सब चैप्टर्स को भी हमको वीडियो देखना चाहिए तो देखिएगा, नहीं तो आपके लिए ऑप्शनल रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल का मन करे कि इस चैप्टर का वीडियो देखना है तो देखिएगा, नहीं तो क्या रहेगा, ऑप्शनल रहेगा, बात समझे। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि सारे बच्चे चाहे इलेक्ट्रिकल को हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स को हो, इलेक्ट्रॉनिक्स ए और इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट जो है से आपका कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से रीड है। तो सारे ये जितना भी यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है सारे टॉपिक आपका कंपिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, और मैं शुरू से ही आपको मैं प्रोमिस करके लेकर के चलता हूँ, ऐसा कोई टीचर प्रोमिस नहीं करते, हमें पता है पूरा मार्केट में कि मैं सेमेस्टर के साथ साथ जेई का भी तैयारी करता हूँ। मेरा स्लोगन भी है सेमेस्टर के साथ जेई की तैयारी अब है बेस की जिम्मेदारी, सेमेस्टर के साथ जेई की तैयारी अब है बेस की जिम्मेदारी, यानी कि आप मेरे साथ हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना, सेमेस्टर से साथ लेकर के जेई के जर्नी तक हम लोग चलेंगे और एक साथ बिल्कुल चलेंगे, तो आपका सारा सब बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, बात समझे। अभी तक अगर जूनियर इंजीनियर का बात करें तो हजारों हजार के संख्या में जेई बन चुके हैं, हमारा
2020 में 1000 पार कर गया है मेरी, 2013 से लेकर के 2020 तक का जर्नी का बात करें, 7 साल में 1000 प्लस जूनियर इंजीनियर बना चुका हूँ, जिसमें 4 टाइम्स जो है ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर भी हमारा आ चुके हैं, ठीक है, 4 टाइम्स ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर भी आ चुके हैं, NTPC में 2 बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर आए हैं, उड़ीसा हाइड्रो में 1 बार आए हैं और IOCL में भी 1 बार आपका ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर आ चुके हैं, यानी कि टोटल 4 टाइम्स ऑल इंडिया फर्स्ट। जूनियर इंजीनियर का सीट है वो अलग है, लेकिन जूनियर इंजीनियर में पहला रैंक, वो सब बच्चे मैक्सिमम बच्चे जो है जो कि सेमेस्टर से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो सेमेस्टर से पढ़ें तो सेमेस्टर में ही मैं क्या करता हूँ, जैसे आप थर्ड सेम से जुड़े हुए हैं 70% तक सिलेबस JEE का मैं सेमेस्टर में ही क्लियर कर दूंगा, बाकी 30% और बूस्टअप करते ही आपको क्या होगा JEE बन जाएंगे। मैं ऐसा टारगेट लेकर के चलता हूँ कि आपका सेमेस्टर में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आए, प्लस अभी से ही कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सोल्व कराते चले और उस लायक बना दें कि थर्ड ईयर जैसे ही पास करें और ज़्यादा दिन आपको इंतजार नहीं करना पड़े, क्योंकि आपका माँ बाप और आपका सारे लोग यही, आपका भी यही ख्वाहिश होगा कि जैसे ही डिप्लोमा पास करें जूनियर इंजीनियर बन जाएं, तो हम इस तरीके से आपको अभी से बेस बना करके ले चलेंगे कि आप जैसे ही पास हों जूनियर इंजीनियर आपको बनने से कोई नहीं रोक सकता है, आप प्रीवियस रिकॉर्ड पता कर सकते हैं, सारा चीज़ पता कर सकते हैं कि कितना जूनियर इंजीनियर को मैं बना चुका हूँ। इसमें मेरा रोल जो होता है से आपका बोल सकते हैं 30-40% है, स्टूडेंट का रोल 60-70% है, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ते कौन है स्टूडेंट, एग्जाम कौन देते हैं स्टूडेंट, मेरा क्या होता है गाइडलाइन और पढ़ाना, दो चीज होता है, केवल पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा गाइडलाइन भी होना क्या है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप केवल पढ़ रहे हैं और अच्छा गाइडलाइन आपको नहीं मिल रहा है तो आप एग्जाम में बिल्कुल अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो आपको पढ़ने के साथ साथ अच्छा गाइडलाइन भी होना जरूरी है। एक चीज़ आप गांठ बांध करके सुन लीजिए, क्या कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी स्टूडेंट का जो अच्छा होता है, कोई भी सब्जेक्ट में स्टूडेंट का इंटरेस्ट टीचर पर डिपेंड करता है, कोई भी सब्जेक्ट में स्टूडेंट का इंटरेस्ट जो है से कंसर्न टीचर पर निर्भर करता है, जबकि रिजल्ट जो होता है स्टूडेंट पर निर्भर करता है। आप देखे होंगे बचपन से 9th, 10th class, 8th class जो सर आपको बहुत अच्छा से पढ़ाते होंगे उस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा पढ़ने लगते होंगे, क्यों, उस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, तो हम ऐसा आपको करेंगे कि आपको मेजरमेंट में बिल्कुल ही इंटरेस्ट आ जाएगा और मेजरमेंट बिल्कुल अच्छा आप कीजिएगा, कोई इशू नहीं है। तो मेजरमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है और मेजरमेंट में हम आशा करेंगे कि आप बहुत ही अच्छा करें, क्लियर है। तो ये देखिए हमारा ये आपका सिलेबस रहा, तो सिलेबस के बाद का हम बात करते हैं कि आखिर ये मेजरमेंट सब्जेक्ट है इसमें पढ़ेंगे कैसे और क्या है मेजरमेंट, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं, थोड़ा हम लोग जानते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि मेजरमेंट एक्चुअली में है क्या। तो चलिए हम लोग देखते हैं, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आपका सब्जेक्ट का नाम है, तो हमारा मेजरमेंट एक्चुअली में होता क्या है, क्या है मेजरमेंट, इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो चलिए आप हमें बताइएगा कि मेजरमेंट क्या होता है, आप समझ रहे हैं। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट का, बात करते हैं मेजरमेंट, MEASURMENT, ये है आपका मेजरमेंट। आखिर क्या है मेजरमेंट, इसके बारे में हमको चर्चा करना है और फुल डिटेल्स में हमको बताना है कि मेजरमेंट एक्चुअली में है क्या, क्यों हमको मेजरमेंट पढ़ते हैं, मेजरमेंट हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, सब सारे बातों को हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं, जो टॉपिक का नाम है वही हम हेडिंग देते हैं, मेजरमेंट जो है इसको हिंदी में बोलते हैं मापना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मापना। एक चीज़ और हम बता देना चाहते हैं दोस्त, आप अभी थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट है, हमको पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट होंगे से आप बिहार बोर्ड से ही होंगे, इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा सबका, क्योंकि बिहार बोर्ड से मैं ही हूँ, तो हमको दुख दर्द सब पता है सारे स्टूडेंट का कि कैसा इंग्लिश होता है, बाद में जा करके अच्छा हो जाता है, जैसे कि मेरा भी ठीक ठाक हो गया है, जबकि 10th pass किए थे, तो जैसा आपका हालत आपका है वैसा ही हालत मेरा है। तो मैं जो भी बात आपको बोलूँगा सब पूरा के पूरा मैं हिंदी में समझाऊँगा, पूरा के पूरा हिंदी में समझाएँगे जबकि लिखेंगे इंग्लिश में, पूरा के पूरा हिंदी में समझाएंगे जबकि लिखेंगे क्या इंग्लिश में लिखेंगे। यानी कि अब हमारा मेजरमेंट जिसको मापना आपको वो बोलते हैं, तो मापना सुन करके ही आपको कुछ कुछ होने लगा होगा कि कैसे हम कोई चीज़ को मापेंगे। तो चलिए हमारा बताइए क्या है मेजरमेंट, मेजरमेंट एक प्रोसेस है, क्या है प्रोसेस है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसका डेफिनेशन हम बात कर रहे हैं, मेजरमेंट इज ए प्रोसेस बाई विच
अननोन क्वांटिटी, मेजरिंग क्वांटिटी, बाय विच मेजरिंग क्वांटिटी जिसको हम मापने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अननोन क्वांटिटी, अभी नोन नहीं है, अननोन क्वांटिटी इज कंपेयर विथ अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यानी कि मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसमें अननोन क्वांटिटी, जो कि हमको पता नहीं है कि वो अननोन क्वांटिटी का क्या माप है, उसको एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और वो जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग एरर बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हम ये मान लें कि मार्कर का ही सिंपल हम बात करें, तो मार्कर का कितना लंबाई होगा, जैसे कि हम क्या करें बताइए, इस मार्कर का ही हम लंबाई का बात करें, ये मार्कर देखिए, मान लीजिए एक हम स्केल लिए, ये मान लीजिए स्केल लिए, कुछ आप स्केल लिए, जैसे कि इंच आपके होगा, जैसे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होगा उसमें इंच होगा, मान लीजिए कि स्केल है जो कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कितना सेंटीमीटर का है, 100 सेंटीमीटर का है, ये 100 सेंटीमीटर का है, ये मान लीजिए कि इस मार्कर को हम माप रहे हैं, तो यहाँ कितना मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल 20 सेंटीमीटर हुआ या 30 सेंटीमीटर हुआ, तो ये 30 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, मेजरमेंट हो गया, ये 30 सेंटीमीटर इसका मेजरमेंट हो गया, यानी कि हम क्या किए, इसको मापे, तो कैसे मापे, तो ये जो स्केल हो गया, ये जो आपको स्केल जो आपको दिख रहा है, ये क्या हो गया बताइए, स्टैंडर्ड हो गया, ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, और ये जो आपका मार्कर जो दिख रहा है, ये वाली जो मार्कर है, ये क्या हो गया बताइए, अननोन क्वांटिटी हो गया। ये अननोन क्वांटिटी को इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ऐसे एक डंडा ले आएंगे और यहाँ पर इसको रखेंगे तो पता चलेगा कि कितना है, नहीं ना पता चलेगा, तो यानी कि जब भी हम मेजरमेंट करेंगे तो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ इसको क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, जैसे इसका सेंटीमीटर में ही मेजरमेंट करेंगे, और इसका जैसे कि बोलेगा कि कितना है, तो बोलेगा 2 लीटर है, तो कोई मतलब हुआ इसका, नहीं ना, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक रूल को फॉलो करना चाहिए, भाई इसका लंबाई मापेंगे तो लंबाई आपका मीटर में होगा या फिर सेंटीमीटर में होगा, ऐसे ही मापेंगे। अब हम लंबाई को केजी में मापने लगेंगे तो कोई उपाय है बताइए, माप पाएंगे, नहीं ना माप पाएंगे, तो एक सर्टेन रूल को फॉलो करना चाहिए। तो मेजरमेंट क्या है, तो मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग कोई अननोन क्वांटिटी को मापते हैं, जो कि ये इसका ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का क्वालिटी कैसा होना चाहिए, ये जो सर्टेन रूल को फॉलो करेगा, कौन सा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यानी कि हम बात करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉलो सर्टेन रूल, जो कि सर्टेन रूल को फॉलो करेगा, जैसे ओम्स लॉ है, वी बराबर आई आर है, वो एक रूल को फॉलो करता है, बात समझे, तो कोई भी एक रूल को फॉलो करता है जो कि प्रूफ किया गया है, वैसे को हम लोग बोलेंगे कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी होना चाहिए, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो मस्ट बी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मस्ट बी एक्सेप्टेबल। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपल एग्जांपल हम बात करते हैं, सब लोग उसको फॉलो करते हैं, सब लोग उस एग्जांपल को आप देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केट में गए, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल क्या, आप ज़्यादातर एग्जांपल आपका वेजिटेबल शॉप में होता है, वेजिटेबल शॉप में क्या होता होगा, देखे होंगे इस टाइप का आपका तराजू बनाया हुआ है, जिसको हम लोग कांटा बोलते हैं, ये तराजू में देखे होंगे, यहाँ पर आपको एक बटखारा होता है जो कि स्टैंडर्ड होता है, जो कि आपका BIS के द्वारा बनाया जाता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि आप डिज़ाइन देखते होंगे 100 ग्राम 200 ग्राम हाफ के जी 1 kg का, अगर उससे आपको वेजिटेबल अगर ताप नाप करके दिया, मान लीजिए कि परवल आप ले रहे हैं तो एग्जैक्ट आप विश्वास कीजिएगा, लेकिन अगर ऐसा हो कि आपका पत्थल का अगर 1 kg का हो, अगर पत्थल का 1 kg का होगा तो दे देगा, तो आप सोचिएगा पता नहीं हो ना हो कि आपका इसका वजन क्या होगा, कम होगा, ऐसा आपको दिमाग में चलने लगता है, यानी कि वो स्टैंडर्ड नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसा होना चाहिए, मस्ट बी क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, अगर वो एक्सेप्टेबल होगा तो क्या होगा, अच्छा होना चाहिए, यानी कि स्टैंडर्ड मानक के द्वारा होना चाहिए, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा उसका होना चाहिए। जैसे कि हमारा
अगर बात करें फॉर एग्जांपल, आप दूध लेने जा रहे हैं, बोलिएगा दूध लेने जाइएगा, बोलिएगा 10 मीटर दूध दे दो, अच्छा लगेगा नहीं ना लगेगा? तो दूध को कैसे स्टैंडर्ड हम लोग मापेंगे बताइए, लीटर में मापेंगे, तो दूध को मापन किस में होगा? लीटर में आएगा, यानी कि वो सर्टेन रूल को फॉलो कर रहा है, लिक्विड है तो उसको लीटर में ही मापेंगे, उसको मीटर में नहीं माप सकते हैं। कपड़ा लेने जाइएगा, बोलिएगा कि 10 kg कपड़ा दे दो, अच्छा नहीं लगेगा, कपड़ा को कैसे मापेंगे बताइए, मीटर में मापेंगे। इस तरीके से सबका एक स्टैंडर्ड चीज़ होता है, तो स्टैंडर्ड रूल को क्या करना पड़ेगा बताइए, फॉलो करना पड़ेगा। अगर फॉलो करता है तो क्या है बताइए, आपका हो रहा है, नहीं तो क्या नहीं हो रहा है। अब देखिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि ये इस आप स्केल से इसको आप फॉलो कर रहे थे, इसमें क्या होगा बताइए, ए 30 सेंटीमीटर है, हो सकता है कि 30 से कम भी आपको दिखे, हो सकता है कि आपको 29.9 दिखे, हो सकता है 30.1 दिखे, आपका आँख का भी डिफेक्ट हो सकता है। ये 30 सेंटीमीटर का एग्जैक्ट है लेकिन आपको दिखेगा कितना, मान लीजिए कि 29.9, तब आप बताइए एरर हुआ कि नहीं हुआ? ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी से ये क्या किया, डेविएट कर गया, तो डेविएशन जो होता है से क्या होता है, एरर होता है। यानी कि अगर हम बात करें, ध्यान से समझिएगा, आज इंट्रोडक्शन क्लास है, अब हमारा देखिए, हमारा ध्यान दीजिए, अब हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कि ये तो हम जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पढ़ के आ रहे हैं बताइए, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स क्वांटिटी को पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग किसका मेजरमेंट पढ़ेंगे? इसका हम लोग सब्जी का मेजरमेंट नहीं करेंगे, यहाँ स्केल का मेजरमेंट नहीं करेंगे कि भाई ये 20 सेंटीमीटर है, इस टाइप से मेजरमेंट नहीं पढ़ेंगे, तो किसका मेजरमेंट यहाँ पर करेंगे बताइए? इसका हम मेजरमेंट करेंगे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, जैसे मेजरमेंट किसका करेंगे बताइए, हमारा मेजरमेंट करेंगे किसका, हम लोग मेजरमेंट करेंगे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे, जैसे मेजरमेंट ऑफ किसका, करंट का मेजरमेंट करेंगे, मेजरमेंट किसका करेंगे बताइए, वोल्टेज का मेजरमेंट करेंगे, मेजरमेंट किसका करेंगे, पावर का मेजरमेंट करेंगे, मेजरमेंट किसका करेंगे, रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे, मेजरमेंट किसका करेंगे, एनर्जी का मेजरमेंट करेंगे, और किसका मेजरमेंट करेंगे, जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होगा उसको हम लोग मेजर करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। तो अब देखिए हमारा ये मान लीजिए कि आपका अमीटर है, अमीटर से क्या मापते हैं बताइए, धारा मापते हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे अमीटर धारा को मापता है, करंट को मापता है, ऐसा हम लोग जानेंगे। अब अमीटर का बात करेंगे, यहाँ मान लीजिए कि स्केल है, ये 0 सेंटीमीटर है, मान लीजिए कि 10 एम्पियर है, ये 0 एम्पियर 10 एम्पियर, यहाँ मान लीजिए कि 5 एम्पियर करंट को आपको मापना है। अगर 5 एम्पियर करंट को मापना है तो कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि ऐसे यहाँ से देखेगा तो हो सकता है कि आपका मेजर जो कर रहे हैं 4.9 दिखे, ऐसा भी हो सकता है जो मेजर कर रहे हैं और यहाँ से देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको 5.1 दिखे, ऐसा भी हो सकता है जो कि आप मेजर करें तो एग्जैक्ट 5 ही दिखे, 5 मेजर करना था, ऐसा पॉसिबिलिटी है। कोई ज़रूरी नहीं सर 4.9 दिखे, हो सकता है कि 4.8 भी दिखे, हो सकता है 4.7 भी दिखे, हो सकता है 4 भी दिखे, कुछ भी हो सकता है। यानी कि ये जो आपका 5 एम्पियर हो गया, जो आपको मेजर करना है, उसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू किसको बोलेंगे, जो मेजर करना है, और जो हम लोग मेजर कर रहे हैं, मेजर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको बोलते हैं क्या, मेजर वैल्यू। तो यहाँ यह हमारा क्या हो गया, ट्रू वैल्यू कितना हो गया, 5, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू बोलेंगे, और इसको मेजर वैल्यू बोलेंगे। ये सब क्या है बताइए, मेजर वैल्यू है। यानी कि देखिए ट्रू वैल्यू जो हमको मेजर करना है, एग्जैक्ट वैल्यू हो गया, एज हो गया, से क्या स्टैंडर्ड हो गया, इससे इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, डिफ्लेक्शन होगा। तो अब देखो अगर हमारा 4.9 होगा, इसमें से घसक गया है, कितना पीछे रह गया है, 5 में से 4.9 जाएगा तो कितना, +0.1 है। अब देखिए हमारा ये हमारा अगर 5.1 शो करेगा तब भी क्या होगा, एरर होगा ना, होना कितना चाहिए था 5, अगर 4.9 हुआ तब भी एरर कितना हुआ, 0.1। अगर हमारा ये मान ले जाए कि फॉर एग्जांपल 5.1 होगा तब भी जीरो माइनस कितना, 0.1 होगा। यानी कि एरर देखो अगर हमारा एग्जैक्ट 5 होगा तो एरर क्या होगा, 0। अब क्या देख रहे हैं, ध्यान दो, एरर आपको पॉजिटिव भी हो सकता है, एरर आपको निगेटिव भी हो सकता है। चूँकि एरर पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, इसीलिए एरर को हम लोग प्लस माइनस साइन के साथ लिखते हैं। प्लस माइनस 0.1 क्या हुआ, इससे इधर भी कांटा हो सकता है, इधर भी कांटा हो सकता है, एग्जैक्ट होगा तो उसमें एरर क्या होगा, 0 होगा। यानी कि एरर का डिफिनेशन क्या होगा, एरर क्या है, डेविएशन है, भटकाव है।
किससे भटकाव है, तो ट्रू वैल्यू से भटकाव है, यानी कि ईरर कैसे डिफाइन होगा, द डेविएशन ऑफ मेजर वैल्यू फ्रॉम ट्रू वैल्यू, यानी कि मेजर जो हम माप रहे हैं ट्रू वैल्यू जो है एग्जैक्ट वैल्यू से कितना डेविएट हुआ आगे या पीछे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे ईरर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि आपका मान लें कि एग्जाम चल रहा है, एग्जाम मान लीजिए कि आपका 9 से 12 PM में आपका एग्जाम है, तो 9 बजे से 12 एग्जाम है आपका, तो आप 8:50 में आपको वहाँ पहुँच गए, 9 बजे अगर रिपोर्टिंग टाइम है तो 8:50 में पहुँच गए, तब भी क्या 10 मिनट ईरर, या 9 बजे से आपका रिपोर्टिंग टाइम है 9:10 में पहुंचे तब भी क्या है ईरर। लेकिन कोई स्टूडेंट एग्जैक्ट 9 बजे पहुंचेगा तो ईरर होगा क्या, नहीं नहीं ईरर होगा, सेम चीज इंस्ट्रूमेंट में है आपका, अगर जो एग्जैक्ट है अगर उतना हो जाएगा तो नो ईरर, अगर उससे थोड़ा सा पहले हो या बाद में हो तब भी क्या होगा ईरर होगा। यानी कि अभी तक हम यहां समझ रहे हैं हमको मेजरमेंट करना, मेजरमेंट में क्या करते हैं, मेजरमेंट में हम लोग अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, और नोन क्वांटिटी कैसा होना चाहिए स्टैंडर्ड होना चाहिए, और उसमें अगर कोई भटकाव होगा तो क्या होगा ईरर होगा। यानी कि हम पूरा समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि पूरा मेजरमेंट सब्जेक्ट में आपका ईरर ही मेन चीज है, यानी कि ईरर ही आपको की पॉइंट है, और ईरर के आधार पर ही पूरा सब्जेक्ट आपका घूमेगा नाचेगा। यानी कि आप ईरर के बारे में अच्छा से समझ जाते हैं तो पूरा सब्जेक्ट के बारे में कोई आपको समझने से नहीं रोक सकता है, बात समझे क्लियर है। जैसे हम एमीटर पढ़ेंगे तो एमीटर में क्या पढ़ेंगे, एमीटर का कंस्ट्रक्शन और उसमें कितना ईरर होता है, उसको ईरर को कैसे दूर करेंगे, वोल्ट मीटर पढ़ेंगे तो क्या होगा उसका कंस्ट्रक्शन बनावट क्या है, उसमें ईरर कितना आएगा, ईरर को कैसे दूर करेंगे, दूर करने का क्या उपाय है, वाट मीटर पढ़ेंगे तो यही चीज पढ़ेंगे, बनावट पढ़ेंगे उसमें ईरर क्या आएगा, ईरर को दूर कैसे आएंगे, यही सब बात पढ़ेंगे, एनर्जी मीटर में क्या क्या ईरर आएगा। यानी कि बोल सकते हैं कि ईरर इज द की पॉइंट, ईरर इज द की पॉइंट, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट को अगर हम की पॉइंट को बात समझ जाएं तो उसके बाद कहीं कोई सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होने जा रहा है, बात समझ रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट का हम पूरा की पॉइंट ईरर बात करेंगे, अगर मान ले कोई इंस्ट्रूमेंट में ईरर ज़्यादा होगा उसका मतलब क्या हुआ, वो इंस्ट्रूमेंट कम एक्यूरेट होगा, यानी उसमें एक्यूरेसी क्या होगा कम होगा, ईरर और एक्यूरेसी दोनों उल्टा चलता है, जिस इंस्ट्रूमेंट में ईरर जितना ज़्यादा होगा वो इंस्ट्रूमेंट उतना कम एक्यूरेट होगा, जो इंस्ट्रूमेंट जितना ज़्यादा एक्यूरेट होगा उसमें ईरर उतना कम होगा। अब ईरर कम कब होगा, जब ट्रू वैल्यू मेजर वैल्यू एक होगा, यानी मेजर वैल्यू जितना करीब होगा ट्रू वैल्यू से उतना ही क्या होगा वो एक्यूरेट होगा। यानी कि अगर ईरर का बात करें तो मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू से कितना भागा हुआ है उसको क्या बोलेंगे ईरर, और मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू का कितना चिपका हुआ है कितना सटा हुआ है उसको क्या बोलेंगे हम लोग एक्यूरेसी। यानी कि इसमें की पॉइंट ईरर पकड़े, ईरर से क्या पकड़ा गया आपको एक्यूरेसी पकड़ा गया, ठीक है। यानी कि इसमें पूरा मेजरमेंट सब्जेक्ट चाहे कोई भी चैप्टर पढ़े हर में क्या पढ़ेंगे ईरर के बारे में जानेंगे, हर में क्या जानेंगे एक्यूरेसी के बारे में जानेंगे, हर में क्या कैसे मेजर करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो पूरा सब्जेक्ट आपका ये जो सब्जेक्ट है आपका मेजरमेंट, तो ये जो सब्जेक्ट में आपको की पॉइंट आपको पता चल गया, की पॉइंट इसमें क्या है बताइए ईरर है, और साथ ही साथ क्या है आपका एक्यूरेसी है, यानी कि एक्यूरेसी और ईरर के बारे में ही आपको जानना है, और सारे इंस्ट्रूमेंट का हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हम क्या करेंगे जानेंगे। यहाँ तक समझ गए, तो ये मेरा पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर है, अगला क्लास में मैं यहीं से चालू करूँगा, ये फिर से इसको डिफाइन करते हुए आगे मैं बढ़ाऊँगा, इसी तरह से मेरा सारा लेक्चर होगा। और देखो मेजरमेंट सब्जेक्ट हम लिखाते नहीं हैं कि मैंने पन्ना भरा दे आपको, जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक बात क्लियर नहीं होगा, तो हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है समझाना, जैसे ही आप समझ गए उसके बाद हम लिख देंगे उसको बोर्ड पर से देख के, आप क्या कीजिएगा लिख लीजिएगा। यानी कि इतना सिस्टमेटिक नोट्स आपको देंगे जो सेमेस्टर में 4 मार्क्स के लिए हम डिटेक्ट करते चलेंगे कि आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, सेमेस्टर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, पैटर्न्स तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ ही गए हैं, 100 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आता है, तो एक सेमेस्टर 2 सेमेस्टर आप दे लिए तो आप समझ ही गए हैं, तो पहला सेमेस्टर तो आप दिए हैं, दूसरा तो प्रमोट ही हो गया, तो 100 नंबर में आपका 70 नंबर मेन एग्जाम होता है, 30 नंबर क्या होता है इंटरनल होता है, ये जो होता है SBT के द्वारा होता है, और 30 नंबर जो होता है से कॉलेज के द्वारा दिया जाता है, ये 70 नंबर में क्या है 20 नंबर आपका क्या है ऑब्जेक्टिव है, और इसमें जो 5 क्वेश्चन जो होता है से 4 मार्क्स का होता है, तो कितना मार्क्स हुआ बताइए 20 मार्क्स हुआ, और ये जो 5 क्वेश्चन होता है 6 मार्क्स का होता है तो 30 मार्क्स हुआ, तो 30 20 50 और 20 कितना 70 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, क्लियर है।
तो 70 मार्क्स में मैं जैसे पढ़ाऊंगा तो हम बता दूंगा कि 4 नंबर में आएगा। ये मेजरमेंट का क्वेश्चन फिक्स है, मैं लगातार 2-3 साल से गेसिंग करते आ रहा हूँ। जो मैं गेसिंग करता हूँ लगभग लगभग 1-2 क्वेश्चन छोड़ के सारा क्वेश्चन लड़ ही जाता है। हर साल का यही रिकॉर्ड हो रहा है कि जो भी मैं गेस करता हूँ 1-2 क्वेश्चन छोड़कर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो क्वेश्चन सेट करता है अब मेरा दिमाग मैच कर जाता होगा, तभी ऐसा होता है। ऐसा मैं 2-3 साल से देखते आ रहा हूँ कि लगभग लगभग सारा क्वेश्चन मैच कर जाता है। आपको भी मैं लास्ट में गेसिंग क्वेश्चन दूंगा जो कि आपको बहुत मजा आएगा। अभी नहीं दूंगा, लास्ट में दूंगा, नहीं तो आप पढ़ना बंद कर देंगे। तो पहले मेजरमेंट को आपको सिखा देना है, सिखाने के बाद लास्ट में गेसिंग क्वेश्चन देंगे, सारा चीज करेंगे जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम में कर पाइएगा। तो मैं ऑब्जेक्टिव के लिए भी डिटेक्ट करते चलूंगा, 4 नंबर के लिए डिटेक्ट करते चलूंगा, 6 नंबर के लिए डिटेक्ट करते चलूंगा, आपको बताते चलूंगा। इतना ही नहीं, ये भी मैं बोलते चलूंगा कि एक कंपटीशन में आया हुआ, आपका SSC JEE एग्जाम में आया हुआ है, आपका BSNL में आया था, NTPC में आया था, मैं वो सभी क्वेश्चन आपको प्रेजेंट करते चलूंगा साथ साथ। यानी कि सेमेस्टर मेन फोकस और साइड से आपका क्या JEE का भी फोकस आपको मैं साथ साथ में करते चलूंगा। आपको होप सो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब हमारा ये सवाल उठता है कि यदि आप मेरा YouTube चैनल पर आप इसको देख रहे हैं, एक छोटा सा तो रिक्वेस्ट मेरा रहेगा ही, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ इस वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कर दें। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा, जितना ज़्यादा व्यू बढ़ाइएगा उतना अच्छा रहेगा। तो हमारा एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, जितना भी आपका आप जिस कॉलेज के बच्चे देख रहे हैं अपना अपना कॉलेज ग्रुप में एटलीस्ट क्या करें, शेयर कर दें इसको कि आप सारे बच्चे को वीडियो मेरा ऑल वीडियो मिलते रहे। YouTube में भी मेरा बहुत सारा वीडियो रहेगा, मेजरमेंट से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो आएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि सारे मेजरमेंट का, सारे सब्जेक्ट आपका मेजरमेंट का वीडियो हो और अप्लाइड मैथ का वीडियो हो, अप्लाइड मैथमेटिक्स का वीडियो हो, सर्किट नेटवर्क का वीडियो हो, साथ ही साथ आपका और अदर सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर हो, जैसे कि पावर जनरेशन का वीडियो लेक्चर हो, ठीक है। आप इसके अलावा अगर हम बात करेंगे पावर जनरेशन है, एक और आपका सब्जेक्ट छूट रहा है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये सब सारे लेक्चर्स यदि आप देखना चाहते हैं, ये पांचों सब्जेक्ट हम ही पढ़ा रहे हैं आपको, सारा अगर आप वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं जैसे मैं मेजरमेंट पढ़ा रहा हूँ वैसा सारा चीज़ का लेक्चर्स आपको मिलेगा। नेटवर्क भी मैं उसी तरीके से पढ़ाता हूँ, पावर जनरेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या अप्लाइड मैथ हो, सारा चीज़ मैं ही पढ़ा रहा हूँ, पाँचों पेपर। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में सब अलग अलग टीचर्स भी पढ़ाते रहते हैं, लेकिन टीचिंग जो ऐसा क्वालिटी है जो कि सबके पास नहीं होता है सर, ठीक है। तो मैं अपने आप में मैं ये जानता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो अच्छा ही पढ़ाऊँगा आपको, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको अच्छा ही पढ़ाऊँगा। इसलिए मैं सारे पेपर को लगभग मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको, पांचों पेपर मैं ही डील कर रहा हूँ। तो ये सब सारे पेपर जो आपका, हम चाहते हैं कि आपका सिस्टमेटिक वीडियो लेक्चर मिले, तो सिस्टमेटिक वीडियो लेक्चर आपको कहाँ मिलेगा? आप चाहते हैं कि पांचों का ऑल वीडियो लेक्चर मिले तथा PDF नोट्स मिले, वीडियो लेक्चर मिले तथा क्या मिले, PDF नोट्स मिले। तो सारे को सब्जेक्ट को मैं चैप्टर बाय वीडियो लेक्चर में बना रहा हूं, साथ ही साथ आपका सारा PDF नोट्स दे रहा हूं और बीच बीच में आपको डॉट क्लासेस भी मैं लाइव आकर के दे रहा हूं। तो कहां पर सारा चीज मिलेगा? तो आपका एक ही जगह है, आप प्ले स्टोर में जाइए और मेरा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का नाम है क्या? बेस टेक्निकल एकेडमी। इसको आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर में जा करके क्या करना है, डाउनलोड करना है। और ये हमारा अगर YouTube चैनल में देख रहे हैं तो इसका तो आपको लिंक भी दे देंगे। यदि आप कोई ग्रुप वगैरह में देख रहे हैं तो वहाँ भी YouTube खोलिएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा। यदि आप अलग से लिंक चाहते हैं तो मेरा एक मोबाइल नंबर है 7050403084, इस नंबर पर आप कॉल भी करके कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आप इसमें लिंक भी आप मांग सकते हैं। तो इसमें मैं एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा जिसमें कि आप सारे सब्जेक्ट का यहां पर वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करके आप क्या कीजिएगा बताइए, इसको डाउनलोड कीजिएगा तो आपको सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर में OTP जाएगा, उस OTP को डालिए। साथ ही साथ फिर उसके बाद आपका ईमेल आईडी पूछेगा और क्या पूछेगा, ईमेल आईडी के साथ साथ आपका नाम पूछेगा, तो उसमें रजिस्टर कर दीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 3-4 आइकन बना होगा, एक होम का होगा, एक आपका बैच का होगा, उसमें से एक स्टोर का होगा, यही जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
कौन इम्पोर्टेंट है? स्टोर। तो स्टोर में जाइएगा, यदि आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ऊपर में सर्च का ऑप्शन आएगा, तो आप क्या सर्च कीजिएगा? डिप्लोमा सर्च कीजिएगा, थ्री सर्च कीजिएगा। क्लियर? तो डिप्लोमा स्पेस डाल के क्या सर्च कीजिएगा? थ्री। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट वाइज भी कोर्स बना हुआ है, बहुत सुंदर तरीके से सब्जेक्ट वाइज बना हुआ है, ऑल पेपर का भी बना हुआ है। तो ऑल पेपर का भी बना हुआ है, साथ ही साथ क्या है बताइए आपको, सब्जेक्ट वाइज भी बना हुआ है। तो सब्जेक्ट वाइज जो कोर्सेस होगा उसका थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा होगा, ऑल पेपर जो है उसका कोर्स का जो आपका फी स्ट्रक्चर है बहुत ही मिनिमम रखे हैं, बहुत ही मिनिमम रखे हैं। और ये मिनिमम कितना रखे हैं? मिनिमम मात्र आपका 2000 रुपया रखे हैं, जो कि आपका 2000 से भी एक रुपया कम 1999 है। ठीक है, यानी कि 2000 रुपये एवरेज मान सकते हैं, प्लस इसमें 50 रुपये के आसपास इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज होगा, तो 2050 रुपये के आसपास आप मान सकते हैं। तो ये 1999 लगभग 2000 के आसपास आपका फीस है। तो ये आप दे करके, ये ऑफलाइन में बेसिकली मेरा 6000 फीस है, तो ऑफलाइन का मान सकते हैं कि एक तिहाई, 1/3 ही फीस आया है आपका। और ये जो फीस है जो अभी ऑफर प्राइस फीस है, ये बहुत ज़्यादा दिन तक ये 1999 नहीं रहेगा, कुछ ही दिन में ये आपका प्राइस बढ़ जाएगा और अप टू द 3000 तक आपका चला जाएगा। तो आप इसको परचेज करने में बिल्कुल भी देर न करें, आज के आज इसको ऐप को डाउनलोड करें और साथ ही साथ डिप्लोमा थ्री सर्च करें और फुल सब्जेक्ट के लिए, ऑल सब्जेक्ट के लिए इसको क्या करें, परचेज कर लें। एक और हम आपको बताते हैं, एक और आपको बहुत ही बड़ा ऑफर हम आपको देने जा रहे हैं। बड़ा ऑफर ये है कि एक साथ आप यदि 5 स्टूडेंट का ग्रुप में लेते हैं, जिसका नाम है ग्रुप एडमिशन, ग्रुप एडमिशन, ये जो ग्रुप एडमिशन जो है ये मैं बड़ा तोहफा के तौर पर अभी आपको दे रहा हूँ, जिसमें टोटल 5 स्टूडेंट का ग्रुप होना चाहिए, 5 स्टूडेंट का ग्रुप होना चाहिए। ये 5 स्टूडेंट में 4 स्टूडेंट पे करेंगे और 1 स्टूडेंट क्या होंगे इसमें, फ्री में होंगे। यानी कि 4 ही स्टूडेंट का केवल पेमेंट लगेगा और 5वां स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, फ्री होंगे। यदि आप ग्रुप एडमिशन लेना चाहते हैं, इस नंबर पर आप कॉल करके बात कर ले या व्हाट्सएप से बात कर ले, इस नंबर पर 70 50 40 30 84, इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं यदि ग्रुप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अगर इंडिविजुअल लेना चाहते हैं डायरेक्ट वहीं ज्वाइन कर लें, यदि ग्रुप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस पर कॉल या व्हाट्सएप करें। और ग्रुप एडमिशन में 5 स्टूडेंट, जिसमें 4 का पेमेंट लगेगा, 5वां स्टूडेंट क्या होगा, फ्री में होंगे। बिल्कुल बात समझ रहे हैं? तो ये जो ग्रुप एडमिशन्स है आपका थर्ड सेमेस्टर में भी वैलिड है, साथ ही साथ फिफ्थ सेमेस्टर में भी वैलिड है। और एक बात मैं लास्ट में और बोलना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिकल मतलब बेस्ट टेक्निकल एकेडमी, इलेक्ट्रिकल मतलब विकास सर और केवल विकास सर, इलेक्ट्रिकल मतलब विकास सर और केवल विकास सर। और इसलिए मैं बहुत सारे ब्रांच को लेकर के मैं नहीं चल रहा हूँ, केवल और केवल इलेक्ट्रिकल, इसी में क्या हो, बेस्ट होना चाहिए। और आपका समय पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, एक बार अगर समय से आपका हाथ निकल गया तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा। तो समय को नहीं गंवाएं, सही जगह क्लास करें, आपको बिल्कुल सही आपको जगह है बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। और आँख मूंद करके यहाँ ज्वाइन करें, सीनियर से बात करें, सीनियर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आपका ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, फोर्थ सेम में, फिफ्थ सेम में लगभग आपका बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं बचा है जिसका कि बच्चे आपका नहीं है। थर्ड सेमेस्टर में भी डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। तो आप भी क्या करना है, बिल्कुल जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करके, आपका एक भी लेक्चर छूटे नहीं, सारे लेक्चर्स आपको पहला लेक्चर से आप पढ़ना चाहते हैं, तो आज के आज ही आप किसको क्या करें, ज्वाइन कर लें। ठीक है, और ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, बिल्कुल अच्छा है। और एक बार लास्ट में फिर से बोलेंगे कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दें कि कोई भी आपका दोस्त ना छूटे, जो भी जो कॉलेज का वीडियो देख रहे हैं अपने कॉलेज ग्रुप में जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि कोई भी आपका फ्रेंड ना छूटे और ग्रुप एडमिशन आप बहुत आसानी से ले पाए। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही रहने देता हूँ, फिर अगले लेक्चर्स में आगे के टॉपिक को लेकर के आऊँगा, आगे के लॉजिक टॉपिक को पढ़ाऊँगा और मेजरमेंट को इतना सिंपल बना दूंगा कि आपको फिर मेजरमेंट नहीं लगेगा और बिल्कुल आप आसानी से उसको क्या कर पाएगा, पढ़ पाइएगा। तो आज इतना ही, थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।